अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इस्लामिया 201 का लेक्चर नंबर 5, सिंसेरिटी। सिंसेरिटी क्या होती है? यानी सच्चाई, इखलास, ठीक है, हॉनेस्टी, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है आपका। अब डेफिनेशन ऑफ इखलास क्या, यानी इखलास की डेफिनेशन क्या, इसमें आपको ये बताया गया है कि इखलास जो है आपको सिर्फ अल्लाह ताला के साथ होना चाहिए। यानी इखलास नहीं, यू हैव द इंटेंशन ऑफ ओनली अल्लाह, ठीक है, बगैर किसी बेनिफिट के। आपका जो है इखलास सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए, यानी जो भी काम आप करें वो अल्लाह की रजा के लिए करें, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन सिंपल है इखलास, ठीक है, नॉट पर्सनल मोटिव एंड गेन ऑफ द प्लेजर ऑफ अदर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द नेचर ऑफ इखलास। नेचर ऑफ इखलास क्या होती है? कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी काम किया उसकी खुद पहले अमल किया, फिर दूसरों को बताया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी टीचिंग के जरिए भी हमें सिखाया किस तरीके से अमल करना है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आगे इखलास इन एक्शन एंड ला इलाहा इल्लल्लाह, सिंगल माइंडेड डिवोशन। सिंगल माइंडेड डिवोशन क्या होती है? एक ही रुख पे चलते हुए, ठीक है। वो कह रहे हैं व्हाट इखलास एंड ला इलाहा इल्लल्लाह डोनेट, क्या फायदा होता है, क्या डोनेट करते हैं। इन शॉर्ट इज दैट एवरी गुड डीड शुड बी परफॉर्म्ड यानी कोई भी जो बंदा काम करे वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे, ठीक है। तो ये उसका होगा इखलास एंड फॉर इट्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये बताया गया। तो वो ये कह रहे हैं सिंगल माइंडेड डिवोशन जो होती है हमारी, यानी एक रुपये हम चलते हैं, मशवरा वगैरह करते हैं या उसमें अमल करते हैं, डिवोशन इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन द इनर रियलिटी, ठीक है। हमारे अंदर जो होते हैं हमारी इनर रियलिटी पे बेस करता है वो, यानी कि बहुत जरूरी होते हैं, यानी ठीक है, ठीक है। इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट द इनर रियलिटी ऑफ ऑल गुड एंड वर्चुअस एक्ट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। जो हमारे अंदर के एक्ट्स बिहेवियर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्या चीज़, सिंगल माइंडेड डिवोशन, ठीक है, यानी अंदर की रियलिटी, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि कुछ फायदे जो होते हैं हम अल्लाह ताला की रजा के लिए हासिल करते हैं, कुछ होते हैं अपने फायदे के लिए हासिल करते हैं। तो आगे वो बता रहे हैं बट व्हेन दिस एक्ट्स आल्सो आर परफॉर्म्ड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग द फेवर ऑफ अल्लाह, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, फेवर ऑफ अल्लाह एंड द रिवर्ड फॉर द हेयर, ताकि हमें क़यामत के दिन, क़यामत के बाद इसका सिला मिल सके, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि कोई बंदा काम करता है, किसी की मदद करता है, ठीक है, हमें तो नहीं पता कि उसके दिल में क्या है, उसकी नीयत क्या है। तो वी रियलाइज दैट देयर इज़ नो सिंसियरिटी इन दिस हार्ट, ठीक है, उसने अमल किया उसकी सिंसियरिटी थी नहीं, तो हैनिस अटैचमेंट एंड थॉटफुलनेस आर मोटिवेटेड, ठीक है। तो उसकी डिज़ायर में सेल्फिशनेस थी, ठीक है, तो उसका इंप्रेशन हमारे पर क्या पड़ेगा, यानी कोई मदद करता है वो अपना मफाद के लिए करे, सेल्फिशनेस करे, तो उसका इफेक्ट हमारे पर क्या होगा। तो ये बताया गया है इसी एग्जांपल को, उन्होंने सोचते कहा सेम इन केस ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह ताला को भी ये देखना पड़ता है कि इस बंदे की नीयत क्या है। विद आई गेट डिफरेंस डेट वाइल वी डू नॉट नो व्हाट इज हिडन इन द हार्ट, ठीक है, हमें नहीं पता होता बंदे के दिल में क्या छुपा क्या नहीं पता, तो अल्लाह इस चीज़ से बाखबर है, ठीक है। तो वो कह रहा था ही ओनली एक्सेप्ट, यानी वही इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट द डीड्स ऑफ फॉन्डनेस मैन हु परफॉर्म गुड एंड वर्चुअस एक्ट ऑफ हिज सेक, यानी जो उसके लिए नियत करता है, जो उसके खाते वाला करता है वो बाखूबी खबर है, और जो उसके अपने मफाद के लिए करता है वो उससे भी वाकिफ है। तो ये बताया गया, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया की खातिर कुछ परफॉर्म करना होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ दिखाया विद सिमिलर पर्पज में गेन दियर ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में हासिल करने के लिए वो फ़ायदा किसी को देते हैं, तो ये भी कहा गया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लास्ट डे, यानी वो इसलिए फ़ायदा खाता करता है ताकि हमें क़यामत के दिन इसका अजर मिले, तो ये इस चीज़ें बताया गया है। तो आगे वो कह रहे हैं द बेनिफिट ऑफ इखलास का बेनिफिट क्या है, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ वेटनेस ऑफ एक्ट मे बी। कह रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ इखलास ये है कि अगर आप कोई भी काम करते हो, बेशक वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप आपकी नीयत देखी जाती है, अगर आपकी नीयत में इखलास है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि अल्लाह ताला नीयत से बाखबर है। तो उसमें सबसे पहले आपको ये बताया गया है, यानी बरकत पैदा करता है वो, ठीक है, चाहे वो आप वो काम अकेले करें, देयर इज नो हेल्प। अब वो ये कह रहे हैं कि इखलास की स्टेज होती है, सबसे पहली जो हाईएस्ट स्टेज होती है इखलास की, वो ये होती है कि कोई भी परफॉर्म काम करे वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करे, यानी कोई भी इखलास, यानी कोई भी काम किसी को मदद करता है सिर्फ अल्लाह के लिए करे, तो ये होगी आपकी हायर स्टेज ऑफ इखलास, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सेकंड स्टेज क्या होती है, अलीजर डिग्री ऑफ इखलास इज दैट द एक्ट इज रेंडर्ड टू द प्लीज पीपल बट इट वाज नॉट मोटिवेटेड बाय एनी डिजायर ऑफ वर्ल्ड लगन, ठीक है। कुछ लीजर डिग्री ऑफ इखलास की, यानी सेकंड डिग्री ऑफ इखलास की होती है, वही होती है बंदा काम करता है सिर्फ भले के लिए करता है, यानी डिजायर फॉर वर्ल्ड गेन, यानी कि दुनिया को दिखाने के लिए करता है, तो लीजर डिग्री ऑफ इखलास होगी, यानी इखलास की कैटेगरी में आता है, ठीक है, उसे दुनिया की दिखाने के लिए वो परफॉर्म करता है। और वही कह रहा है द मोटिव वाज मटेरियल टू प्लीज अदर, ठीक है। अब तीसरी डिग्री जो इखलास की वही होती है, वो कह रहा है, ठीक है, अब वो ये कह रहा है कुछ को आखिरत के लिए बंदा भला करता है, कुछ दुनिया के लिए भला करता है, तो वो ये कह रहा है आखिरी स्टेज होती है, दुनिया की खातिर कोई बड़वा होती है ना आखिरत की, यानी कोई काम करते हैं आते हैं वो दीन के लिए करते हैं ना दुनिया के लिए करते हैं। तो कह रहा है दिस टू इज इखलास आई द नॉन एक्सेस ऑफ रिया, ठीक है, तो वो मतलब रियाकारी में नहीं आता ये, ठीक है, यानी दिस मोटिवेशन आता है द दीन नॉट द वर्ल्ड, ठीक है, ना दुनिया के लिए होता है ना आखिरत के लिए होता है, तो ये बोल सकते हैं आखिरी कैटेगरी होती है, ठीक है। आखिर में ये कह रहे हैं अल्लाह रिगार्ड फॉर लेस इन द हार्ट, तो एक आयत दी हुई है, आयत का बेसिकली जो मीनिंग है वो ये है कि भाई अल्लाह तुम्हारे दिलों से बाखूबी खबरदार है, को तुम्हारे वेल्थ और तुम्हारे फिगर वगैरह इससे कोई गर्स नहीं है, अल्लाह जज रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर मोटिवेशन इंटेंशन, तुम्हारी नियत क्या है और तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम्हारा इखलास क्या, अल्लाह ताला इस चीज़ को देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका लेक्चर नंबर 5 खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।